होम ऑफ माई चीज। इस बुक के लेखक का नाम स्पेंसर जॉनसन। क्या आप चीज से निपटने का कोई इफेक्टिव तरीका जानते हैं? अगर अचानक आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे मैनेज करोगे? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में चेंज हमेशा आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेस या चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। वो मूड माई चीज की स्टोरी चार लोगों के बारे में है, जिनमें से एक आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। हमारी स्टोरी के ये कैरेक्टर्स एक मेज यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं। चीज हमारी लाइफ के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है, फिर चाहे वो कोई स्टेबल जॉब हो या एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर एक लविंग फैमिली या गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। किसी दिन अगर ये चीज आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? तुम अब क्या करोगे? आप स्टोरी के इन चारों कैरेक्टर्स के थ्रू खुद को देख सकते हो। कभी कभी चेंज एक्सपेक्ट करना काफी हार्ड होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इतने डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे आप इस स्टोरी के कैरेक्टर की एडवेंचर भरी स्टोरी फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन्स सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। वो मोर माई चीज। काफी पहले की बात है, एक डिस्टिंक्ट लैंड में चार कैरेक्टर एक मेज के अंदर रहते थे। उनमें से दो तो चूहे थे और उनके नाम थे स्निफ और स्करी। बाकी के दो इंसान थे लेकिन चूहे जितने ही साइज के और उनके नाम थे हेम और हाव। स्निफ और स्करी गुड बिहेवियर वाले सीधे सादे चूहे थे। दोनों सारा दिन चीज के लिए सर्च, स्निफ और स्करी करते थे जैसा कि सारे चूहे करते हैं, जबकि हेम और हाव का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। उनके अंडर इमोशंस थे और अपने बिलीफ्स भी। चीज उनके लिए भी उतनी ही प्रिसियस थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज पहन के रेडी हो जाते थे। वो चारों अपने छोटे होल्स से निकलते और चीज की तलाश में पूरी भूल भुलैया का चक्कर काटते। मेज ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, जिसमें ना जाने कितने दरवाजे और चैम्बर्स थे। कुछ चेबेस के अंदर चीज थी और कुछ एकदम डार्क और एम्प्टी थे, जहां कोई भी अपना रास्ता भटक सकता था। इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ खुशियों से भर सकती थी। स्निफ और स्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर ये एम्प्टी होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर एम्प्टी है और नए की तलाश में जुट जाते। लेकिन हेम और हाव कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसलिए चीजों को देखने का उनका नजरिया भी कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीव्स उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश भी ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज स्टेशन तक पहुंचने के उन चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज के ढेर लगे रहते थे। चीज के इस खजाने को ढूंढने के बाद स्निफ, स्करी, हेम और हाव अपने अपने रूटीन के हिसाब लाइफ जी रहे थे। स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठते थे। वो अपने रनिंग शूज पहनकर स्टेशन सी तक दौड़ लगाते। वहां पहुंचकर दोनों अपने शूज उतारकर अपनी गर्दन में टांग में लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सके। उसके बाद स्निफ और स्करी चीज जी भर के खाते। हेम और हाव इस मामले में थोड़े डिफरेंट थे। दोनों सुबह लेट उठते और स्लो वॉक करते हुए स्टेशन सी तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उनको हमेशा चीज का खजाना मिलेगा। स्टेशन सी पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा रिलैक्स होते। अपने शूज उतारकर दोनों स्लीपर्स पहन लेते थे। आफ्टर ऑल इतना बड़ा चीज का खजाना जो उनके लिए मौजूद था तो फिर जल्दी किस बात की? कितने कमाल की बात है, ये चीज तो जिंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उस चीज के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाव ने स्टेशन सी के पास ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स ढूंढ लिए ताकि वो चीज के हमेशा पास रह सके। उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहां की वॉल्स पर लिखा था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हर रोज दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज हमारी है, हम इसे डिजर्व करते हैं, हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है, हेम कहता और चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुशी खुशी मुंह में भर लेता। चीज खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी। और एंड ऑफ द डे लिटिल पीपल यानी हेम और हाव पेट भर चीज खाने के बाद वापस अपने होल्स में लौट आते।
फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हेम और हाँ और ज्यादा इरोगेट होते जा रहे थे। वही स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते। वो दोनों स्निफ करते हुए स्टेशन सी तक जाते। दोनों हमेशा चेक करते थे कि वहाँ क्या क्या चेंज आया है। फिर दोनों आराम से बैठकर चीज खाने लगते। एक दिन सुबह जब दोनों चूहे स्टेशन सी पहुँचे तो देखा कि सारी चीज खत्म हो चुकी है। दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे। स्निफ और स्करी ने अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी उतना ही इसका आंसर भी। स्टेशन सी चेंज हो चुका था और अब उन्हें भी उसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज के अंदर दूसरी जगह चीज ढूंढने निकल पड़े। स्निफ स्निफिंग करता रहा और स्करी स्करिंग करता रहा। कुछ घंटे बाद हेम और हाव भी स्टेशन सी के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी स्निफ और स्करी नोटिस नहीं किया था कि चीज का ढेर छोटा हो रहा है, इसलिए चीज ना मिलने पर दोनों शॉक्ड थे। ये क्या, यहाँ तो जरा भी चीज नहीं है, हेम चिल्लाकर बोला। चीज नहीं है, चीज नहीं है, किसने मेरा चीज लिया, हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज वापस मिल जाता। गुस्से से उसका फेस रेड हो रहा था, उसकी मुट्ठी बंद गई थी और वो गला फाड़कर चिल्लाए जा रहा था, दिस इज नॉट फेयर। हाफ चुपचाप खड़ा घूर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सारा चीज रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा होगा। वो इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं था। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हाव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, क्योंकि उनके लिए चीज का खजाना ओवर हो चुका था। और चीज उनके लिए सिर्फ फूड नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी और हैप्पीनेस था। उनके लिए चीज का मतलब था चेडर लेन में एक दिन खुद का कॉटेज, एक लविंग फैमिली और सिंपल सी लाइफ। और हेम के लिए चीज का मतलब था सुपीरियरिटी। उसका ड्रीम था कि एक दिन वो बिग चीज मैनेज करे और कैमेंबर्ट हिल में उसका एक बड़ा सा घर हो। छोटे इंसानों के लिए चीज बड़ी इम्पोर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं, बल्कि वही स्टेशन सी पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से चीज उन्हें वापस मिल जाएगी। वही स्निफ और स्करी चीज ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाव गुस्से में बस पैर पटक रहे थे। उनके माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था, क्यों, इट्स नॉट फेयर, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। जल्दी ही हाव डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद कई सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज के बिना उनका क्या होगा, अब वो क्या खाएंगे। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाव वापस अपने होल्स में लौट आए, भूखे और टायर्ड। उन्होंने वॉल्स पे लिखा, डू मोर इम्पोर्टेड योर चीज टू यू, डू मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन इट। नेक्स्ट मॉर्निंग छोटे लोग दोबारा स्टेशन सी में गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी चीज मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब कुछ नहीं बचा था। तभी हाव को स्निफ स्करी का ख्याल आया। शायद उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हेम बोला, हम उन चूहों से ज्यादा स्मार्ट है। मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट है, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे, हाव ने जवाब दिया। चीजें बदल रही है हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा, हम भला क्यों चेंज होंगे, हेम बोला। उसे लगता था कि लिटिल पीपल स्पेशल है और चीज पर सिर्फ उनका हक है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की, किसी और ने की है, हमें इस बारे में कुछ करना होगा, उसने कहा। हाँ, सोच रहा था कि उन्हें प्रॉब्लम को ओवर एनालाइजिंग करने के बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था। नो, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा, उसने कहा। जब हेम और हाफ स्टेशन सी में घूम रहे थे, स्निफ और स्करी भूल भुलैया के काफी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। ये स्टेशन इन था। चूहे खुशी से झूम उठे। स्टेशन इन चीज से भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज कभी नहीं देखा था। वही स्टेशन सी में हेम और हाव अभी भी काफी एंग्री फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाव को रह रहकर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाव मन ही मन खुद के भूल भुलैया के अंदर कोई न्यू एडवेंचर करते हुए और चीज खाते हुए देखने लगा।
चीज के बारे में सोच सोच कर हाव मोटिवेट हो रहा था। चलो चलते हैं, हाव जोर से बोला। नो, मुझे यही रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन से की आदत पड़ चुकी थी, वहाँ से बाहर जाने में उसे डर लगता था, लेकिन हाव उसे मोटिवेट करता रहा। आफ्टर ऑल पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे हैं, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते। लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था। उसने बोला, वो बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो जैसे पहले था अब भी वैसा ही रहना चाहता था, फुल ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेशन और एक्सक्यूजेस। लेकिन हाव कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और खराब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, हाव बोला, अगर हम सेम चीज रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठ कर वेट क्यों नहीं कर लेते, शायद टक टक चीज वापस आ जाए, हेम बोला। उसे बाहर जाकर एक्सप्लोर करने से बड़ा डर लगता था, लेकिन हाव समझ चुका था कि अब स्टेशन सी में चीज कभी भी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज का कोई नया सोर्स ढूंढना होगा। हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाव भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचरस और एक्साइटिंग होगा, उसे मेज के अंदर जाना अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वापस लौट आए। वो तो एक नई फ्रेश और डिलीशियस चीज का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई हो। क्या पता उसे मोज़रेला, चेदर और परमेसन चीज मिल जाए। इन सब के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी चीजें बदलती है और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये ऐसा ही टाइम लग रहा है। यही लाइफ है और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा, उसने हेम से कहा। उसने अपने फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था, और इस तरह हाव अपने रास्ते चला गया। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज के सपनों में खो गया था। उसके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज घूम रही थी। जितना ज्यादा वो सोचता जा रहा था, उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज खा रहा हो। उसने फिर से वॉल पे लिखा, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट। हाउ पहले पेसिमिस्टिक था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुका था। उसे लगा वो तो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, हाउ खुद से बोला। फिर वो दौड़कर मेज के अंदर घुस गया। वो स्ट्रोंग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज स्टेशन नजर आया जिसके दरवाजे पर चीज के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज थी जो हाव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला, काफी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज खाई और थोड़ी अपने पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन किया। वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या, या चीज स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था, शायद कहीं पर थोड़ी और चीज मिल जाए। हाव ने चीज के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच रहा था, क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हाव स्टेशन सी पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज निकाल कर हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज पसंद नहीं है, मैं ये वाली चीज नहीं खाता था। मुझे वही ओल्ड चीज चाहिए, और जब तक मुझे मिल नहीं जाती, मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूंगा। हेम की बात सुनकर हाव को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। हाव फिर से उसी एम्प्टी चीज स्टेशन में पहुंच गया। वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाके उसे जो खुशी आज मिली थी, पहले कभी नहीं मिली। आज का हाव चीज स्टेशन से वाले हाव से एकदम डिफरेंट था, और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे न्यू चीज जरूर मिलेगी। उसने वॉल पे लिखा, इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन अ चीजलेस सिचुएशन। हाव समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप माने या ना माने। उसे अपने ओल्ड डेज याद आए, जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था, जब उसे यही लगता था कि उसके साथ सब बुरा ही बुरा होगा। लेकिन अब हाव एडाप्ट करना सीख चुका था, और इसीलिए उसने वॉल पे लिखा, ओल्ड बिलीफ्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज।
जिस टाइम से उसने अपने बिलीफ्स चेंज किए थे उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो चेंज से डरकर भागो या ऑप्टिमिस्टिक बनकर चेंज को फेस करो। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीफ्स खुद चूज कर सकते हैं। हाव ने वाल पे कुछ और नोट्स लिखे। वेयर यू सी डेथ यू कैन फाइंड द डेंजर न्यू चीज यू कैन चेंज कोर्स। नथिंग स्मॉल चेंजेस रियली हेल्प्स यू अडैप्ट टू द बिगर चेंजेस डेथ आर टू कम। हाव ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था, अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर था। हाव ने बिग स्टेप्स लिए और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जर्नी कभी ओवर नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता है रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, जल्दी ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाव एक कॉरिडोर से गुजरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहां उसे एक नया चीज स्टेशन इन दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन इन चीज से भरा हुआ था, इतना चीज की ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी ज्यादा चीज थी। यहाँ हर टाइप की चीज थी, ब्राइट और टेस्टी। तभी उसे अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए, स्निफ और स्करी। स्निफ ने उसे देखकर सर हिलाया और स्करी ने उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला और खुद भी उनके साथ चीज खाने बैठ गया। हाव चीज के सबसे ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज दिखी उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज उतारे और गले में बांध लिए। हाव एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रा फॉर चेंज। स्निफ और स्करी उसे देख के खुश थे। हाव ने चीज का एक बड़ा सा पीस लेकर टोस्ट किया, हुरे हुरे हुरे। हाव को रियलाइज हुआ कि चेंज लाने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद की मिस्टेक पर हंसा जाए। उसने अपने ओल्ड मेथड्स चेंज किए और देखो उसे चीज मिला। उसने स्निफ और स्करी से भी काफी कुछ लर्न किया। एक चूहे की लाइफ काफी सिंपल होती है, वो चीजों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज ओवर हो गई है तो वो तुरंत एक्ट करते हैं। चीज मूव होते ही वो भी मूव हो जाते हैं। और हाव ये बात हमेशा याद रखेगा। हाव को हेम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर हेम को थोड़ी हेल्प कर दूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा, उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा क्योंकि कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहे कोई और उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन से बाहर आता और हाव की हैंडराइटिंग वॉल्स पे देख पाता। हाव को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन इन के लार्जेस्ट वॉल पे लिख दी। हाव ने थोड़ी सी और चीज खाई, तभी उसे कुछ फुट स्टेप्स सुनाई दिए। शायद ये हेम था। शायद अब चारों फ्रेंड्स मिलके फाइनली मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। कंक्लूजन। चेंज लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने चेंज एडाप्ट करने के इफेक्टिव तरीकों को समझा। चीज हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरह फील कर सकते हो जो चेंज से डरता है। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है, या आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचे। नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। इसलिए हाव की तरह बनिए, अपने डर को छोड़ दे और चेंज को एक्सेप्ट करे। इस तरह आप आगे बढ़कर अपने लिए न्यू चीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यू चीज तो हमेशा मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे ढूंढे और इसका टेस्ट एंजॉय करें।